हेलो फ्रेंड, आज लोग हम लोग फिर आए हैं टाटा हैरियर में। आपको कुछ चीज पूछनी हो तो बता देना भाई, ऑटोमेटिक कार के बारे में बता दूंगा मैं आप लोगों को कुछ। ठीक है फ्रेंड, इसकी अच्छी डिमांड है गाड़ी के लिए, चलाने के लिए। आपको ऑटोमेटिक गाड़ी वगैरह चलाने आती है तो आपको सैलरी भी अच्छी बेस पे मिल जाती है। फॉर्चुनर हो गई, अपने ऑडी वगैरह चलाने के लिए होती है जो गाड़ियाँ, उसके में फ़ायदा होता है। कोई कोई मांग लेता है भाई चला के दिखाओ, तो दिखानी पड़ जाती है गाड़ी। जिस भाई को नहीं पता कि हम नहीं चलाई है मैंने कभी, अचानक से ऑटोमेटिक गाड़ी दे दें और ना ही चले तुमसे, तो इसी बारे भाई मेरी वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोग चेक करते रहना। मेरा सब कुछ का मतलब वीडियो बनाने का वो है मकसद कि ये सोचते होंगे फ्रेंड के भाई कुछ ना कुछ बनाता रहता है, टेढ़े मेढ़े वीडियो बनाता रहता है। भाई मेरी वीडियो कैसी बनाता हूँ, अच्छी अपनी सोच से बनाता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे भाई लोगों को थोड़ा सहायता मिले और थोड़ा रिस्पांस मिले कि इस गाड़ी को इस तरह चलाया जाएगा। और कुछ नहीं है भाई ऑटोमेटिक गाड़ी में, बस क्लिच नहीं है, खैर और कुछ भाई, और लीवर वगैरह होता है, सब कुछ होता है, बस लीवर वगैरह में से ही यूज करा जाता है ये चीज़ें, डी वगैरह, एन, आर और एम, और आपका प्लस माइनस जो मैंने आपको और वीडियो में बताया मेरी ऑटोमेटिक वीडियो में। भाई आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं आज मेरा फेस ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए इस तरह होता है, मतलब फॉर्च्यूनर गाड़ी में ये बटन नहीं मिलेगा आपको, जो ये बटन है ना लीवर का, ये नहीं मिलेगा और इस टाइप का कुछ नहीं मिलेगा आपको उसमें। आपको यहाँ पे बटन मिल जाएंगे, मतलब इस टाइप में आपको फॉर्च्यूनर में बटन दिख जाएंगे और सेम ये प्राइस होगा यहाँ पे, मतलब ये चीजें सेम होंगी फॉर्च्यूनर में और इससे कम, मतलब ये तो देखो पूरा वो बन रहा है, ये देखिए ठीक है, मगर जो होगा वो होगा इतना बड़ा और पतली सी डंडी होगी इसमें और मैटिंग हो रखी होगी, मैटिंग की ये लिखा होगा सब कुछ आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी में। और रेंज रोवर गाड़ी में जब आप रेंज रोवर गाड़ी में बैठोगे तो आपको सबसे पहले स्विच ऑन करना पड़ेगा, इस तरह का स्विच होगा रेंज रोवर गाड़ी के अंदर, जो रेंज रोवर में आप बटन दबाओगे ब्रेक पे पैर रखकर, तभी वो गियर के सिस्टम यहाँ पे इस तरह ही आएंगे जैसे आपको दिख रहा होगा, इस तरह ही आएंगे वो ऊपर मतलब निकल के आएंगे। उसके बाद आपको गियर यूज करना है, यहाँ पे लिखा होगा डी आर पी, ये सभी लिखा होगा, मतलब उसके गोलाई में लिखा होगा आप लोगों को, उससे सहायता मिल जाएगी आपको रेंज रोवर गाड़ी चलाने में। फॉर्चुनर का मैंने आपको बता ही दिया है और इस टाटा हैरियर के बारे में तो मैं बताते ही रहता हूँ आप लोगों को, आप लोग चलाना सीख जाओगे भाई, कुछ नहीं है इस गाड़ी में, बस आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में और क्या नाम है अपनी मैनुअल गाड़ी चलाने में थोड़ा फर्क है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि अपन लोग बड़े उस पर चल जाते हैं, मतलब हाईवे पे चढ़ते हैं, अचानक से हमारे को ऑटोमेटिक गाड़ी दी जाए तो हम लोग क्लिच ढूंढते हैं कि क्लिच कहाँ है, हमारी क्लिच कहाँ है, कई बार अंदाजा खराब हो जाता है। और दिन हम लोग वो ऐसी गाड़ी चलाते हैं मैनुअल और एकदम से ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने लग जाए तो दिक्कत आ जाती है, तो दिक्कत नहीं आएगी भाई, आप लोग अपने हिसाब से चलाएं। वीडियो को जरूर देखें भाइयों, भाई को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, मैं आपका ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। और चीज़ें और पावर मोड के और इको मोड के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको, और इसके बारे में तीनों के बारे में बता ही दिया है, सिटी मोड, वाटर मोड और ऑफ रोडिंग मोड, ये तीनों चीज़ बता दी है टाटा हैरियर में आपको। फॉर्चुनर में होता है इको मोड और पावर मोड, ठीक है फ्रेंड। इस तरह का ऑटोमेटिक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, आप ब्रेक पे पैर जब तक नहीं रखोगे जब तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ये देखिए ये आपको मोड भी बताते रहेगी, इसमें इतना डीजल है, इतनी फुल डीजल है इसमें भाई इस टाइम, और आप देख सकते हैं इस चीजों के बारे में। इस भाई ने नहीं देखी और वीडियो में और उसको और भाई को समझा देता हूँ किस तरह चलती है। ये देखिए ये लीवर मैंने ऐसे कर लिया, आर पे आ गया, ये देखिए ये आर पे चले गई और ये यहाँ पे कैमरा ऑन हो गया, ये देखिए हो गया कैमरा ऑन, और ये मैंने एन पे कर दी, नॉर्मल न्यूट्रल हो गई मेरी गाड़ी जैसे हम, और ये मेरा डी पर हो गया, देख रहे हैं, ये देखो ऑटो सिटी मोड लिखा आ रहा है आपको। और जैसे यहाँ पे मैं देखिए पावर मोड पे क्लिक करता हूँ, ये पावर मोड है, ये देखिए पावर मोड आ गया पूरा आपका, और हैंड ब्रेक यहाँ पर दिखा रहा होगा आपको, सीट बेल्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, और आपको बस यहाँ पे डी पे करके चलना है, ये बटन है इसमें, बटन को ही यूज करना है। और आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी में नहीं मिलेगा ये बटन, आपको इस तरह का ही यूं करके सीधा डाल सकते हो आप उसको, यूं करके उसमें ऐसे ऐसे होगा, मतलब इसमें सीधा है
इसमें सीधा कर रहा हूँ, देखो ये सीधे का ऑप्शन है इसमें, मगर उसमें आपको थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, मतलब इस टाइप का। और यह हैंड ब्रेक तो आपने देख ही रखी है इसी की, मगर जो फॉर्चुनर गाड़ी है उसमें अपने नॉर्मल हैंड ब्रेक है, जो बटन वाली होती है वही हैंड ब्रेक है, और उसमें फ्यूल के लिए लीवर दे रखा है। मगर जो इस गाड़ी में जो अपनी टंकी होती है, डीजल टंकी मतलब पेट्रोल टंकी जो भी है अपनी, वहीं पे प्रेस बटन होता है, मतलब बटन दबाओगे पेट्रोल की टंकी आपकी खुल जाएगी वहां से। यहाँ पे कोई लीवर नहीं दे रखा है इस गाड़ी में, जो इधर से खोल सके वहीं से ही खुलेगा डीजल का पॉइंट, और कहीं से नहीं खुलेगा। इसके बारे में बता देता हूँ, ये अपना स्क्रीन खोलने के लिए, मतलब छत की स्क्रीन जिसे सन ग्लासेस कहते हैं, ये ऑफ ऑन करने के लिए, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे पूरा खुल जाएगा इसका, और ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। और ये चीज़ें तीनों चीज़ें आपके बारे में बता दिया मैंने। ये लाइटिंग की है, लाइटिंग वगैरह के लिए, ये ऐसी ही है। इसमें देखिए फॉर्चुनर में आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगा, और मिरर इसमें भी मिल जाएगा, देखिए आपको इसमें भी मिरर मिलेगा और फॉर्चुनर में भी मिलेगा, मगर इस साइड में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए इधर ब्लैंक है ड्राइवर साइड पे। ओके फ्रेंड, ये सनग्लास ऊपर है, ये देखिए सनग्लास है ऊपर। मैं आपको खोल के कैसे दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए ये सनग्लासेस का मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ये देखिए खुल गया, आपको दिख रहा होगा शीशा भी साथ साथ खुल रहा है अगर मैंने इस बटन पे दबाया है तो। ये देखिए ऊपरी छत खुल गई पूरी आपके लिए, अब ये देखिए वो पूरा चीज चले जाएगी वहां तक। उसके बाद मैं ये करता हूँ, देखिए देखिए ये देखिए मैंने ये वाला बटन दोबारा दबाया और मेरी छत बंद हो गई। ये देखिए शीशा शीशा आएगा मेरा तो सन ग्लासेस का है, उसके बाद जो ब्लैंक कलर की वो थी अपनी वो नहीं आ पाएगी, वे इससे आएगी। ये देखिए ये मैंने बटन दबाया, इससे इस बटन को दबाइए आप, इससे देख सकते हैं। ये देखिए अपनी मिरर पूरी छत ऑफ हो रही है जैसी अपन थी, उसके अलावा कुछ नहीं। और चीज़ भाइयों को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए भाई, मैं आपको बताता रहूँगा ऐसी वीडियो। मैं ऑफ कर देता हूँ गाड़ी को, ये ऑन करोगे गाड़ी जब ही होगा आपका सन ग्लास खुलेगा ऊपर का। और सभी भाइयों को